वैक्सीन कैसे काम करती है ये समझने के लिए पहले ये समझते हैं कि हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरक्षा प्रणाली वायरस के खिलाफ काम कैसे करती है। एक वायरस एक संक्रमक एजेंट है यानी तेजी से फैलने वाला घटक। आमतौर पर ये होस्ट बॉडी यानी आपके शरीर के बाहर निष्क्रिय रहता है। इसे जिंदा रहने और बढ़ने के लिए एक होस्ट बॉडी की जरूरत पड़ती है। एंटीबॉडी दरअसल प्रोटीन होते हैं जो शरीर को वायरस और बैक्टीरिया और बाकी बाहरी तत्वों से बचाते हैं। जब एक वायरस शरीर में प्रवेश करता है तो वो शरीर के अंदर के सेल्स में मिल जाता है। वायरस के बाहरी लेयर पर प्रोटीन की प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है जो होस्ट बॉडी की सेल्स में मौजूद प्रोटीन में मिल जाती है। जब ये सेल्स में मिल जाता है उसके बाद ये बढ़ने लगता है और हमारी सेल्स को खराब करने लगता है। जब सेल्स मरने लगते हैं तब हम बीमार पड़ जाते हैं क्योंकि हमारा शरीर अपने सारे फंक्शंस ठीक तरह से नहीं कर पाता। अब शरीर के इम्यून सिस्टम को वायरस को मारने के लिए एंटीबॉडीज बनाने होते हैं। इसके लिए हमारा शरीर दो तरह के सेल्स बनाता है, बी लिम्फोसाइट सेल्स और टी लिम्फोसाइट सेल्स। एंटीबॉडीज बी लिम्फोसाइट सेल से बनती हैं। एंटीबॉडीज ऐसे काम करते हैं, ये वाई शेप प्रोटीन एक एंटीबॉडी है। ये एक चाबी की तरह खुद को वायरस से जोड़ लेता है, फिर ये वायरस को मार देता है यानी निष्क्रिय कर देता है, जिसके बाद वायरस शरीर के बाकी सेल्स को खराब नहीं कर पाता। वायरस के खत्म होने के बाद टी लिम्फोसाइट सेल्स के तौर पर मेमोरी सेल्स बनती हैं। अगर आगे कभी भी शरीर में संक्रमण होता है तो ये मेमोरी सेल्स शरीर को याद दिलाते हैं ताकि शरीर वायरस को पहचान ले और उसे खत्म कर दे। इसलिए अगर इसी तरह के एक वायरस का संक्रमण हमारे शरीर में फिर से होता है तब इम्यून सिस्टम इसे खत्म कर पाता है क्योंकि उसने उसे पहले भी खत्म किया था। ठीक इसी तरह से वैक्सीन भी काम करती है। वैक्सीन हमारे शरीर में इम्यूनिटी पैदा करती है। इसके लिए वो हमें वायरस की एक स्मॉल डोज से एक्सपोज करवाती है क्योंकि वैक्सीन में वायरस के प्रोटीन का एक हिस्सा या उसका जेनेटिक मटेरियल या फिर वायरस का निष्क्रिय फॉर्म भी मौजूद हो सकता है। आमतौर पर हानिकारक नहीं होता लेकिन इससे हमारे इम्यून सिस्टम को रिस्पॉन्ड करने का मैसेज मिल जाता है। टी लिम्फोसाइट सेल्स में प्रोटीन की मेमोरी होती है ताकि अगर हम SARS-CoV-2 वायरस से संक्रमित हों तो हमारा शरीर एंटीबॉडीज बना दे जो वायरस से मिल जाए और इससे पहले कि वायरस हमारे शरीर को कोई भी नुकसान पहुंचाए वो एंटीबॉडीज वायरस को मार कर खत्म कर दे। Thank you.